Hello students, good morning everyone. So let's start our math class. Students, today your topic is add or subtract. Means chapter 5 में आपका page number 59 और 60 के questions को मैं एक एक example आपको explain करूंगी. Okay? So उसको आपको understanding करनी है कि इसको हमें solve कैसे करना है. तो आपको book में ही solve करना है. अगर आपके पास books है तो आप books में solve कर दें, अदरवाइज आप notebook में कर लें. Okay? Now, so let's start our math class. Now look at the board, everyone. See, there are 12 pencils in a box. 4 more pencils are added to it. Means, there are 12 pencils in a box. Ek box mein 12 pencils hai. Kitni hai? 12. Aur 4 more pencils are added to it. Ab humne 4 pencils mein aur add kar di hai. To, बताना है आपको हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन द बॉक्स. नाउ आपको बताना है कि अब हमारे बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हैं. हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर. सो अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू ऐड. ओके, अब क्या करना है हमें, 12 आपके बुक्स में जैसा दिया है मैं वैसे ही एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी. ओके, देखिए 12 + 4 ओके इज इक्वल टू, अब आपको बताना है कि 12 + 4 आपका आंसर क्या आएगा. टेल मी, अब 12 के आगे आप 4 काउंट कर लीजिए. 12, 14, 13 12 के आगे हमने 4 कर किया, सॉरी, तो 12, 13, 14, 15, 16 तो 12 + 4 इज इक्वल टू 16. सो योर आंसर विल बी 16. ओके, सो अंडरस्टैंड, आपको जब ये सब प्लस का सिंबल आ जाए तो वो आपको एडिशन करना है. अगर यहाँ तो हमने क्वेश्चंस मेंशन करके आपको बता दिया, आपकी बुक में भी बता दिया, मगर सपोज आपका ये ओनली क्वेश्चंस लिखा होगा तब आप फाइंड करेंगे कैसे. तो जैसे यहाँ लिखा है देयर आर 12 पेंसिल्स इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 12 पेंसिल्स है और 4 मोर पेंसिल्स. मोर आ गया ना, मोर मीन्स ज्यादा, तो मोर और एडेड यहां देखिए लिख दिया एडेड, तो ये एडिशन है हमारा. क्या है? एडिशन. तो आपको इजीली फाइंड हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को हमको एडिशन के थ्रू सॉल्व करना है. ओके ओके, सो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा. नेक्स्ट, अभी वो जो मैंने आपको क्वेश्चंस आपको अभी एक्सप्लेन किया था उसको आपको बुक्स में उसके अकॉर्डिंग ही एक और आपका एक क्वेश्चंस नीचे है बुक में, तो उसको आपको सेल्फ डिपेंड सॉल्व करना है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. दिस क्वेश्चन इज व्हाट, इन ए नेकलेस देयर आर 12 बीड्स. अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि इन ए नेकलेस देयर आर 12 बीड्स. एक जो माला है उसमें हमारी 12 बीड्स है. माला पहनते ना मोतियों वाली, उसमें हमने 12 बीड्स लगा रखी है. आउट ऑफ दोज एंड 4 बीड्स कम ऑफ, अब 4 केम ऑफ. तो देखिए माला में से 4 बीड्स हमारे नीचे हैं, वो उसको हम माला में प्रो नहीं पा रहे हैं, डाल नहीं पा रहे हैं. तो हमारे बाकी 12 तो हमारे माले के अंदर है, मतलब जो आपकी गार्लैंड है उसके अंदर है, और 4 आपके आउटसाइड है, बाहर है. तो आपको फाइंड करना है हाउ मैनी बीड्स आर लेफ्ट इन द नेकलेस. नाउ अब आपको फाइंड करना है कि नेकलेस से बाहर कितने हैं. ओके, तो आपको क्या करना, आपको समझ में आ गया. देखिए इन ए नेकलेस देयर आर 12 बीड्स. एक जो नेकलेस होता है, नेकलेस में 12 बीड्स है, होती है. ओके, आउट ऑफ दोस 4 बीड्स केम ऑफ, तो मतलब 4 बीड्स उसमें बाहर है. तो आपको फाइंड कर देना है कि हाउ मैनी बीड्स मीन्स मोती आर लेफ्ट इन द नेकलेस. नाउ तो अब आपको फाइंड करना है इसमें से आपको कि अब हमारी जो नेकलेस है उसके अंदर कितने मोती हैं. ओके, अब इसको आप कैसे करेंगे, तो देखिए 12 माइनस लेफ्ट है ना, देखिए लेफ्ट मीन्स होता है माइनस ही आएगा हमारा, है ना. तो 12 और हमारे 4 बीड्स आउटसाइड है, तो आपको आंसर फाइंड करना है. अब बताइए 12 में से आपके 4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, हाउ मेनी आंसर विल बी कम. तो आप क्या करना, 12 9 कर देना यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, अब 4 है यहाँ पे तो 4 लाइन को कट करना,
1, 2, 3, 4 हमने ये फोर लाइन कट कर दी। ओके अब आपको बैलेंस लाइन को काउंट करना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो आपका आंसर क्या आएगा, योर आंसर विल बी 8। 12 - 4 = 8। ओके आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन दिए गए हैं पेज नंबर 59 में और 60 में। अब तक मैंने जितने भी आपको चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं वो आप पीछे से जो भी बच्चों ने नहीं कंप्लीट किया है वो कंप्लीट कर रहे हैं। ओके और आज आपका होमवर्क रहेगा कि 59 और 60 पेज को आपको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।